है, क्योंकि जब तक आधिकारिक रूप से इन पे नामों पर फैसला नहीं होता बताना ठीक नहीं होता है। तो सच्चाई ये भी है कि विश्वस्त होंगे, सच्चाई। हाँ, तो अभी दो मंत्रालय की और बात निकलकर आनी बाकी है जिसका ज्यादा इंतजार है। वैसे तो सभी मंत्रालयों की धीरे धीरे अभी तस्वीर साफ होती चली आएगी, लेकिन अभी जो जैसा अनूप हमारे सहयोगी बताते हुए, हाँ अनूप बताइए। लोकसभा चुनाव लड़कर आए, जीते भी, कैबिनेट मंत्री बनाए गए, और जो खबर है कि हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर बड़ा मंत्रालय है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर है उस पर बहुत ज्यादा फोकस रखते हैं, शहरी विकास मंत्रालय है ये, तो ऐसे में बहुत बड़ी जिम्मेदारी इनको दिया जा रहा है, खासतौर पे अगर कह सकते हैं तो। अब इंतजार कीजिए जब ऑफिशियल तरीके से इस पर फैसला हो जाएगा, लेकिन अभी तक की जानकारी के मुताबिक मनोहर लाल खट्टर जो है वो हाउसिंग अर्बन, और संभावना है कि इनको पावर मिनिस्ट्री की भी जिम्मेदारी दी जा रही है, लेकिन देखिए अभी जितनी भी खबरें सामने आ रही है वो जो है वो सूत्रों के हवाले से खबर है, इसके लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा जी। तो अनूप एक और जानकारी महत्वपूर्ण है बताते हुए कि पावर मिनिस्ट्री की भी जिम्मेदारी जो सूत्रों से मिल रही है मनोहर लाल खट्टर को दी गई है, ये सूत्रों से जानकारी मिल रही है। ऊर्जा और शहरी विकास मंत्रालय की यहां पर जिम्मेदारी दी गई है, और आपको बता दें कि जो आज फैसला लिया गया, वैसे तो हर मंत्रालय का काम दूसरे मंत्रालय के साथ सहयोग करके ही आगे बढ़ता है, लेकिन जो आज बड़ा फैसला लिया गया है प्रधानमंत्री मोदी की कैबिनेट में कि 3 करोड़ आवास बनाकर देने हैं, और इन 3 करोड़ आवास को लेकर यह मंत्रालय बहुत ही महत्वपूर्ण काम करेगा। अनूप, और कुछ जानकारी, कुछ और पता चल रहा है कि 100 दिन के एजेंडे पर जो काम है वो परिणाम आने से पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुरू की, और जब रिजल्ट आया, और आपको बता दूं कि जब चाय पे चर्चा शपथ ग्रहण समारोह से पहले जब मंत्रियों के साथ चाय पे चर्चा हो रही थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, तो उन्होंने कहा था कि आज शाम को शपथ ग्रहण समारोह हो जाएगा और शपथ के बाद आप सभी मंत्री काम पर लग जाएं, और जो सरकार चाहती है कि 100 दिन के एजेंडे पर काम करें, जनता को लेकर, विकसित भारत को लेकर जो काम करना है वो आप करें। देखिए एक और आपको जानकारी दे दूं कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस उसके मंत्री होंगे जीतन राम मांझी, ये भी एक बड़ी खबर जो है वो आपके दर्शकों के लिए बता रहे हैं, अपने दर्शकों के लिए बता रहे हैं कि जीतन राम मांझी को माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस का मंत्रालय दिया जा रहा है, और शोभा करंदाजे उसके MOS होंगी। तो धीरे धीरे देखिए सारी चीजें जो है वो अब सामने आती जा रही है, ये अपने आप में एक कह सकते हैं कि जाहिर सी बात है कि अभी सारी चीजें नहीं आई है, लिस्ट जो प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से, राष्ट्रपति भवन की तरफ से आती है वो नहीं आई है, लेकिन धीरे धीरे जो है लिस्ट वो हमारे पास सूत्रों के हवाले से वो आती जा रही है, और आधिकारिक रूप से कह सकते हैं कि ये जो लिस्ट है वो विश्वस्त सूत्रों के हवाले से ये लिस्ट है, और अब थोड़ी देर के बाद धीरे धीरे जो परतें हैं वो खुलनी शुरू हो जाएगी कि किस सांसद को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कौन सा विभाग दिया। और आपको इस बीच एक और आपको खबर दे दूं कि कैबिनेट की बैठक हुई थी, कैबिनेट की बैठक के बाद ये बताया गया था कि उसके लिए प्रेस ब्रीफिंग किया जाएगा, लेकिन अब ये जानकारी हमारे पास है कि वो प्रेस ब्रीफिंग भी नहीं होगी, यानी कि अभी प्रेस ब्रीफिंग नहीं होगी, और अब सबकी निगाहें होगी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो कैबिनेट का चेहरा है वो कौन कौन होते हैं, उस चेहरे में कौन कौन से मंत्री होते हैं, किनको कौन सा विभाग मिलता है, क्योंकि धीरे धीरे चीजें सामने आ रही है, सबकी निगाहें और सबको इंतजार। देखिए आपको भी इस बात का इंतजार होगा कि देश का अगला गृह मंत्री कौन होगा, देश का अगला वित्त मंत्री कौन होगा, तो ये सारी बातें अभी आपको धीरे धीरे साफ हो जाएंगी जी। तो एक और बिल्कुल अनूप, आपने जैसे बताया कि अभी सहयोगी दलों से जीतन राम मांझी को जो विभाग मिला है उसकी जानकारी सूत्रों से मिल रही है, वो ये कि MSME यानी एक ऐसा विभाग जिसकी जिम्मेदारी होती है लघु क्षेत्र में रोजगार सृजन की, लोन्स देने की, ज्यादा रोजगार के अवसर प्रदान करने की, और साथ ही साथ एक कारोबार के जरिए, कुछ स्मॉल सेक्टर के जरिए कई सारे इंडस्ट्रीज खड़ा करने की, जहां तक हमें ध्यान है MSME में पिछली बार गिरिराज सिंह को जिम्मेदारी मिली थी। और कुछ नाम आ रहे हैं क्या सामने मंत्रालय के?
असनव को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेलवे मंत्री बनाया था, तो उस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भरोसा जताया। देखिए अभी एक और आपको खबर बता दूं कि होम मिनिस्ट्री जो गृह मंत्री है वो अमित शाह के पास ही रहेगा, ऐसा सूत्रों के मुताबिक जानकारी मिल रही है। ये अपने आप में बड़ी खबर है, जिस बात का जिक्र हम लगातार कर रहे थे कि गृह मंत्री कौन बनने वाला है, तो आपको बता दूं कि अमित शाह गृह मंत्री रहेंगे।